क्यूडी भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असलम खान। रामपुर त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव की तैयारियों की समीक्षा को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह गुरुवार रात रामपुर पहुंचे। यहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं और जिला पंचायत प्रत्याशियों की मीटिंग ली और कहा कि रामपुर जिले की 34 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को परचम लहराना है। वहीं इस दौरान बिलासपुर वार्ड नंबर 2 से भाजपा समर्थित इंद्रजीत कौर पत्नी प्रत्याशी संतोष सिंह खेरा ने अपनी टीम के साथ प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पंचायत चुनाव संचालन समितियों व वार्ड प्रभारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि 10 से 12 अप्रैल तक सघन जनसंपर्क अभियान में हर घर तक पहुंचें। साथ ही उन्होंने सेक्टर व मंडल की टीम की सक्रिय भूमिका पर भी जोर दिया। आइए देखते हैं हमारे साथ। पहले चरण का चुनाव 15 अप्रैल को होना है, जिसको लेकर सारी ही तैयारियां पूरी कर ली हैं प्रशासन की तरफ से। अब बात कर रहे हैं रामपुर ज़िले की, जहां पर 34 सीटें जो हैं भारतीय जनता पार्टी जीतने का दावा करती है। मगर सवाल ये है कि इसमें अहम सीट कौन सी मानी जाती है, क्योंकि बिलासपुर की जो वार्ड नंबर 2 की सीट है वो बहुत अहम और ख़ास है। ख़ास इसलिए भी है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जो है एडवोकेट संतोष सिंह खेरा, उनकी पत्नी इंद्रजीत कौर जो है यहाँ से चुनाव मैदान में है। वहीं सलाम जो 20 साल से जिनका इस सीट पर कब्ज़ा है, 2 बार अब्दुल सलाम की वाइफ जो है जायदा सलाम इस सीट पर जो है काबिज़ रही हैं और ज़िला पंचायत अध्यक्ष भी रही हैं, तो कहीं ना कहीं टक्कर बहुत चुनौती की है। इसको लेकर जो है क्या जो है मीटिंग की गई, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष कल यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष भी आए थे, उन्होंने जो है एक मीटिंग की सभी अपने प्रत्याशियों को बुला के, जिसमें जो है संतोष सिंह खेरा भी इस मीटिंग में शामिल हुए। पूछते हैं संतोष सिंह खेरा जी से, संतोष जी किस तरीके के प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे और मीटिंग ली गई, क्योंकि सीट जो है आपकी सीट पर बहुत ज़्यादा नज़र है, क्योंकि वार्ड नंबर 2 अब्दुल सलाम जायदा जो है वो यहाँ से 20 साल से लगातार काबिज़ रही है, तो किस तरीके की चुनौतियाँ हैं आपके? देखिए, सबसे बड़ा मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि कल माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी स्वयं रामपुर चलकर आए और सभी हमारे 34 जिला पंचायत सदस्य जो खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका हौसला अफजाई करने के लिए आए। और मुझे जो आशीर्वाद मिला है, प्रदेश अध्यक्ष जी ने आशीर्वाद दिया है और वैसे पूरी ही पार्टी का आशीर्वाद है। जिले के अध्यक्ष अभय गुप्ता जी सम्मानित और माननीय सरदार बलदेव सिंह औलख जी राज्य मंत्री और पूरी पार्टी के जितने वरिष्ठ नेतागण हैं, सबका आशीर्वाद तो मिल ही रहा है, जनता का प्यार मिल रहा है। लेकिन कल प्रदेश अध्यक्ष जी का आना और बैठक में उन्होंने हमें जो दिशा निर्देश दिए, क्योंकि उन्होंने संगठन में लंबा काम करा है, उन्हें अनुभव है और बहुत ही वो तेज तरार एक ज़मीन से उठकर वो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी तक गए हैं, तो इसलिए जो उनका दिशा निर्देश हमें मिला और जो उससे मेरा कल का हौसला और बड़ा है। और मेन बात जो लगातार मैं कहता चला रहा हूँ, विकास भाईचारा जो हमारा मुद्दा है, शांति हमारा मुद्दा है, उसमें प्रदेश अध्यक्ष जी के आने के बाद मेरा हौसला बढ़ा है और ये चीज़ें अब तेज़ी से आगे आएंगी। और चुनौतियां तो हैं, चुनौतियां होती हैं, लेकिन जनता के आशीर्वाद से ये चुनौतियों से हम पूरी तरीके से पार पा जाएंगे। राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख
को भी बहुत उम्मीदें हैं आपसे, वो भी सोचते हैं क्योंकि जायदा सलाम 20 साल से इस सीट पर काबिज़ है और पिछली बार भी आप जो है कम वोटों से जो है रह गए थे इसमें, क्योंकि 5000 से ज़्यादा जो है वोट आप लाए थे, तो इस बार क्या क्या कड़ा मुकाबला रहेगा? देखिए, जनता ने मन बना लिया है और जब जनता मन बना लेती है, मैंने पहले कहा कि पूरी पार्टी नेतृत्व और बिलासपुर के अंदर माननीय मंत्री जी का विकास और जिलाध्यक्ष जी के तेज तरार संगठन को चलाना और जनता ने एक पूरा मन बना के इस बार बदलाव की, क्योंकि चुनौती तब होती है जब जनता को ये क्लियर हो जाता है, जनता ने अब समझ लिया है कि अब सूर्य का उदय होना जरूरी है। लगातार इस वार्ड में 20 साल से अंधेरा छाया हुआ था, अब सूर्य उदय होना है और प्रदेश अध्यक्ष जी ने कल आशीर्वाद दे के इस चीज़ को और क्लियर कर दिया है। बिल्कुल, हमारे साथ संतोष सिंह खेरा थे, बात बता रहे थे कि उदय होना है क्योंकि इनको जो चुनाव चिन्ह मिला है वो सूर्य की पहली किरण यानी सूर्य ही मिला है, उस पर सभी लोगों को जो है निशान है ये बताया गया है, इस पर वोटिंग करनी है। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि इस सीट पर सबसे ज़्यादा नज़र है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी ये सोचती है कि ये सीट इनको मिलना ज़रूरी है, क्योंकि सलाम जो दूसरा नाम आता है वो इसलिए आता है क्योंकि वो 20 साल से इस सीट पर काबिज़ है। हालांकि संतोष सिंह खेरा पिछली बार भी रहे हैं, 5000 से ज़्यादा वोट वो लाए थे, इस बार भी जो है कड़ी मेहनत और कड़े मुकाबले के साथ आमने सामने हैं। अभी देखने वाली बात ये होगी कि इन दोनों टकराव में किस तरीके की जनता वोटिंग करती है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष ने कल मीटिंग में यही कहा है और संकेत भी दिए हैं कि ये वोटिंग हासिल करते ही 2022 का चुनाव जोड़ा जाएगा और जितनी भी जिला जो पंचायत प्रत्याशी हैं वो जीत कर आएंगे। तो पार्टियाँ तो सब दावा कर रही हैं, मगर अब ये जनता के ऊपर फैसला करना है कि जनता कितना इनको चुनती है, कितना जो है वोट करती है और किस तरीके का जो है माहौल अब चुनाव का करीब नजदीक आते ही गर्माने लगेगा। वीडियो जर्नलिस्ट नाजिम के साथ अफान अहमद, क्यू टीवी भारत, रामपुर।